हेलो डियर फार्मा एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ ड्रग्स का जो पेपर था, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो पर्टिकुलर एग्जाम थी वो 20 अप्रैल 2014 को हुई थी, और इसी PYQ के बेस्ड पे जो 2023 का एग्जामिनेशन था वो हुआ था। 2023 वाला जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था वो हम डिस्कस कर चुके हैं, आप जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं ऑफ GDC क्लासेस, वहां पे आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, महाराष्ट्र ड्रग असिस्टेंस कमिश्नर 2023 का पेपर जो था पूरा डिस्कस कर चुके हैं। उसी तरह से हम ये 2014 का पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एज इट इज ओरिजिनल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिस तरह से आया था। दूसरा, आप देख सकते हैं ये मराठी में लिखा गया है, परीक्षित नाव दैट इज सहायक आयुक्त औषधि वेदकीय शिक्षण व औषधि द्रव्य विभाग गट ए, यानी कि जो मैंने आपको इंग्लिश में यहाँ पे लिख के दिया है वो लिखा हुआ है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। द वेरी फर्स्ट थिंग, आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत है तो आप जो आपके प्रिपरेशन को एनहांस करे तो आप जाके GDC क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर, अगर आप iOS यूजर है तो वहां से आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, देन दिस इज अवर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जिस तरह से आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, एज इट इज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड यू कैन सी द क्वेश्चन पेपर का प्रीव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार आपको बता दूं कि हम लोग क्वेश्चन पेपर क्यों डिस्कस करते हैं, हमको इन द सेंस एक्सप्लेनेशन नहीं देखना। हम क्वेश्चन पेपर या PYQ हम डिस्कस इसलिए करते हैं ताकि हमको ये चीज पता चले कि हमको कोई भी क्वेश्चन जो है कोई भी एग्जाम के लिए कितने डेप्थ में पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, कितने डेप्थ तक फोकस करना है, ये सारी चीजें हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चलती है, ताकि हम अपना एक आउटलाइन बना सके या मैप बना सके, ब्लूप्रिंट बना सके कि किस तरह से हमको आगे प्रोसीड करना है, हम कहाँ तक पहुंचे हैं उस लैडर ऑफ सक्सेस में और हमें कहाँ तक और आगे बढ़ना है। ये सारी चीजें क्वेश्चन पेपर से मिलती है और एक्सप्लेनेशन जो है वो सेकेंडरी आ जाता है। ठीक है, तो आपको कोई भी, चाहे आपने कोई भी वीडियो देखा हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मेरा, उसमें आप एक चीज हमेशा देखना कि आप क्या क्या उससे आउटपुट ले पा रहे हो, कौन से टॉपिक पूछे हैं, कितने डेप्थ में पूछे, ये सारी चीजें आपको पहले देखनी है एंड एक्सप्लेनेशन। देन जब आप पढ़ते हो तब जाके उनके जो वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है उस पर फोकस करना है, एक्सप्लेनेशन फिर उस हिसाब से सेकेंडरी लेवल पे आ जाता है। ठीक है, बट हम यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर में एवरी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, आउटलाइन भी देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को कितने डेप्थ में पूछा गया है। ठीक है, सो यू कैन सी क्वेश्चन पेपर नेम, फार्मेसी एक्चुअल क्वेश्चन पेपर था, डेट ऑफ क्रिएशन या क्रिएशन डेट मतलब जब ये पेपर हुआ था वो था 15 अप्रैल 2014 को ये पेपर बनाया गया था। ठीक है, एंड कट ऑफ था इसका 10, ड्यूरेशन 60 एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 100। अभी 10 कट ऑफ था या नहीं ये हम कह नहीं सकते, बिकॉज मे बी ये एक्चुअल प्रोविजनल पेपर हो या उस टाइम पे सच में इतना कट ऑफ हो, ये मैं अभी फिलहाल आपको बता नहीं सकती। दिस इज काइंड ऑफ वैलिड और इनवैलिड, आई कैन नॉट अश्योर यू अबाउट इट। बट हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन से मतलब है, हमको एक आउटलाइन बनाना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देन दिस इज ऑनलाइन सेक्शन, सब सेक्शन क्वेश्चन शफलिंग इज अलाउड, यस। देन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं दिए गए, तो विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन सेज दैट डैश इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्रोटीन। नाउ हमने जब महाराष्ट्र ड्रग असिस्टेंट कमिश्नर का जो पेपर देखा था 2023 का,
उसमें भी जो स्टार्टिंग हुआ था, स्टार्टिंग के क्वेश्चन ही देखे थे आपने, सारे ब्लड चैप्टर से पूछे गए थे। ठीक है, तो ये कैसे पता चला? ये जो उन्होंने भी प्रीवियस, वो जो एग्जामिनर होगा उसने भी यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा होगा, क्योंकि 2014 में एग्जाम हुआ। ठीक है, एंड उसके बाद शायद अगर कोई एग्जाम पेपर मिल जाता है तो वो भी मैं देख लूंगी, लेकिन 2014 के एग्जाम पेपर भी उसने देखा होगा। उनको पता चल गया होगा कि ब्लड पे उन्होंने तब उस टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो व्हाई नॉट दिस टाइम आल्सो। तो वहां पे भी सेम टू सेम ब्लड रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप किसी एग्जामिनेशन का देख लेते हो तो आपको एक आइडिया, माइंडसेट मिल जाता है कि कैसे और क्या प्रिपेयर करना है। उसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, डैश इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्रोटीन। यहाँ पे पूछे कौन सा ब्लड प्रोटीन का कंपोनेंट नहीं है। आपके लिए ऑप्शन है एल्ब्यूमिन, प्रो कन्वर्टिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजेन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू। प्रो कन्वर्टिन क्या है? ये क्लॉटिंग फैक्टर है, इसको क्लॉटिंग फैक्टर हम 7 भी कहते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर 7 भी कहते हैं हम इसको, एंड ये क्लॉटिंग फैक्टर में आता है, ये ब्लड प्रोटीन में नहीं आता। उसकी जगह पे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन ये ब्लड प्रोटीन में आते हैं। इसके अलावा दूसरे ब्लड प्रोटीन का अगर एग्जाम्पल दो तो ट्रांसफेरिन हमारा एक एग्जाम्पल हो जाता है ब्लड प्रोटीन का। ठीक है, ट्रांसफेरिन। देन उसके बाद आता है हीमोग्लोबिन, ये भी एक ब्लड प्रोटीन का एग्जाम्पल है। आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट इट। एंड हमारा जो एल्ब्यूमिन का काम होता है, क्या होता है एल्ब्यूमिन का काम होता है कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का मेंटेन करता है। ठीक है, ब्लड का मेंटेन करने का काम जो रहता है वो हमारा एल्ब्यूमिन का होता है, फिब्रिनोजन क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये सारी साइकिल आपको देखनी पड़ेगी। क्लॉटिंग फैक्टर की साइकिल होती है, मतलब फैक्टर टू फैक्टर क्या कन्वर्जन पे, क्या कन्वर्जन पे जाके क्लॉट बनता है, इस तरह से सारी साइकिल आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ पे ब्लड प्रोटीन का क्वेश्चन था और हम ये चीज देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पहले तो चीज बता दूं, ये सारे जो आंसर है वो मैं पहले से टिक नहीं करती, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। कुछ कुछ लोग कमेंट में ऐसा बोलते हैं कि आप पहले से टिक करके आते हो। मैंने ये बात पहले भी अपने प्रीवियस पार्ट में मैं पहले से क्लियर कर देती हूँ कि ये टिक खुद से नहीं करती, ये प्रोविजनल आंसर की होती है। इसी तरह से ये ओरिजिनल चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर मुझे टिक पहले से ही करना होता तो फिर मैं एज इट इज क्वेश्चन पेपर डिस्कस नहीं करती, पीपीटी बना के आती। ये एज इट इज क्वेश्चन पेपर होता है, इसलिए ऑलरेडी टिक्ड आंसर यहाँ पे दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, पहले तो मैं इसका स्क्रोलिंग लेवल बदल देती हूँ। ठीक है, देन आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है डैश एनेमिया इज रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड बोन मैरो। कौन से एनेमिया में रेड बोन मैरो का डिस्ट्रक्शन होता है? ठीक है, ऑप्शन इज आयरन डेफिशिएंसी, परनीशियस एनेमिया, अप्लास्टिक एनेमिया या हिमोलाइटिक एनेमिया। ठीक है, लेट अस डिड्यूस टू द आंसर। आंसर अप्लास्टिक एनेमिया है, तो कैसे है? अप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, रेड बोन मैरो का डिस्ट्रक्शन होता है, एंड सारे टाइप के, ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स जो होते हैं, ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स जो है, ब्लड सेल बीसी यानी कि ब्लड सेल, उनका डिस्ट्रक्शन होता है या उनका यस डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, चाहे फिर वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो। जबकि हीमोलाइटिक एनेमिया में क्या होता है, हम लोग डिड्यूस कर रहे हैं, हम लोग एलिमिनेशन की ट्रिक यूज करते हैं कि एलिमिनेट करके हम किस तरह से आंसर पे पहुंच सकते हैं। आपको सपोज पता नहीं है प्लास्टिक एनेमिया ने क्या है, तो हम हीमोलाइटिक से क्या समझ सकते हैं कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। यहाँ पे क्या होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो ये इट इज नॉट रिलेटेड टू रेड बोन मैरो का डिस्ट्रक्शन। परनीशियस एनेमिया हमको पता है विटामिन B12 के डेफिशिएंसी जो डेफिशिएंसी से परनीशियस एनेमिया होता है। आप मुझे बताइए कि मेगालोब्लास्टिक एनेमिया, मेगालो
ब्लास्टिक एनीमिया किसके डेफिशिएंसी से होता है? कमेंट करके मुझे बताइए कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसके डेफिशिएंसी से होता है। देन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो होता है वो आयरन के डेफिशिएंसी से होता है। तो इसमें जो आपको पूछा गया है कि रेड बोन मैरो का डिस्ट्रक्शन किस में होता है, कौन से एनीमिया में होता है? सो इट इज अप्लास्टिक एनीमिया इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन आता है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री सेज दैट शुड आई चेंज दी ब्लैक ले लेते फॉर मोर कन्वीनियंस। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेप ऑफ होमियोस्टेसिस। नहीं, ये जो ये इनकरेक्ट है, ये होमियोस्टेसिस नहीं, ये हीमोस्टेसिस है। ठीक है, मिस टाइपिंग हुआ होगा मे बी ओरिजिनल पेपर में, बट इट इज नॉट होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस इन द सेंस इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, हीमोस्टेसिस क्योंकि मैंने ये ऑप्शन देखे तब जाके मुझे दिमाग में क्लिक हुआ ये होमियोस्टेसिस पे क्वेश्चन नहीं है, ये हीमोस्टेसिस पे, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है, हीमोस्टेसिस इन द सेंस स्टॉपिंग या प्रिवेंटिंग ब्लीडिंग, टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। ठीक है, इसके ऊपर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब मैंने ये क्वेश्चन के ऑप्शंस देखे तब जाके ये मेरे दिमाग में क्लिक हुआ। तो इसी तरह से जब भी कोई क्वेश्चन देखो आपको लग रहा है कि दिस इज समथिंग नॉट रिलेटेड, तो प्लीज यूज दैट ऑप्शंस एंड ट्राई टू डिड्यूस द आंसर। आपके लिए ऑप्शंस है कोएगुलेशन, वैसो कंस्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एंड हीमोफीलिया। ठीक है, आपके लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम अटैच किया हीमोस्टेसिस का, जिसमें वैसो कंस्ट्रिक्शन है जो कि हमारा एक ऑप्शन है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन भी हमारा एक ऑप्शन है, क्लॉट फॉर्मेशन इन द सेंस कोएगुलेशन एक तरह का। ठीक है, सो ये तीनों भी स्टेप है, 1 2 3, तीनों भी स्टेप जो है वो हमारे क्लॉटिंग के लिए हेल्प करती है ताकि हम ब्लीडिंग को प्रिवेंट कर सके। जबकि हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया इज नथिंग बट इट विल इनिबिट द क्लॉटिंग। ये क्लॉटिंग को इनिबिट करता है, यानी कि ये ब्लीडिंग को एनहांस करता है। ठीक है, तो ये चीज हमको आपको याद रखनी है कि ये जो हीमोस्टेसिस का प्रोसेस है, हीमोस्टेसिस के प्रोसेस कोएगुलेशन, वैसो कंस्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, ये तीनों भी स्टेप होते हैं, जबकि हीमोफीलिया इज टोटली अपोजिट टू दैट ऑफ हीमोस्टेसिस। गॉट इट? अब तक हम देख चुके हैं क्वेश्चन थ्री, अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर। इट सेज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? पहले तो ब्लड सेल जो होते हैं वो देख लेते। ब्लड सेल कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी में अगेन ग्रेन्यूलोसाइट एंड अग्रेन्यूलोसाइट। ग्रेन्यूलोसाइट में क्या आता है? NEB, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। एंड अग्रेन्यूलोसाइट में कौन से आते हैं? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ठीक है, ये पर्टिकुलर ब्लड सेल का क्लासिफिकेशन हो गया, जिसमें हमने देखा ब्लड सेल होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, एंड डब्ल्यूबीसी के ये फर्दर टाइप्स हमने देख लिए। आपके लिए ऑप्शन था न्यूट्रोफिल, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट एंड बेसोफिल। आपको पूछा है कौन सा डब्ल्यूबीसी का कंपोनेंट नहीं है, तो आप देख रहे होंगे डब्ल्यूबीसी के कंपोनेंट में न्यूट्रोफिल भी आता है, मोनोसाइट भी आता है और बेसोफिल भी आता है, जबकि प्लेटलेट्स ही अलग से क्लासिफिकेशन है ब्लड सेल का। ठीक है, सो एज सच क्वेश्चन नंबर फोर का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन टू, दैट इज प्लेटलेट्स। देन आता है आपके लिए हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन पूछा गया है, सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन भी पूछा गया है 2023 के एग्जामिनेशन में। आपको कोई भी वीडियो चाहिए होगी, मैंने सारी वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की डिस्कस कर ली है, एज इट इज ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं, चाहे फिर वो गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन हो, महाराष्ट्र की हो, आईटीबीपी फार्मासिस्ट हो,
या इसके अलावा रेलवे फार्मासिस्ट के भी मैंने प्रीवाईक्यू डिस्कस कर लिए हैं। आप जाके सारी चीजें देख सकते हैं। जीडीसी क्लासेस के वीडियोस में जाके आप थोड़ा सा सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, या तो फिर आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। देन आता है क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 4, ये हो गया 5। ठीक है, ये हो गया अभी क्वेश्चन नंबर 5। इट सेज दैट विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हैज सेल मीडिएटेड या डिलेड टाइप ऑफ रिएक्शन। डिलेड टाइप ऑफ रिएक्शन किसमें दिखाई जाती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या टाइप 4? तो हमको इसकी जो अल्टरनेटिव नेम्स है उससे पता चल जाएगा। टाइप 1 को हम लोग बोलते हैं एनाफिलेटिक, एना फाइलेटिक रिएक्शन। ठीक है, एनाफिलेटिक रिएक्शन बोलते हैं हम लोग टाइप 1 को। देन उसके बाद टाइप 2 को एनाफाइलेटिक रिएक्शन, टाइप 2 को हम कहते हैं साइटोटॉक्सिक रिएक्शन। ये सब इसके अल्टरनेटिव नेम से आपको पता चलेगा। टाइप 3 को हम बोलते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड रिएक्शन। मीडिएटेड रिएक्शन। सो टाइप 4 को हम कहते हैं डिलेड टाइप ऑफ रिएक्शन या सेल मीडिएटेड डिलेड टाइप ऑफ रिएक्शन। सो इससे आपको पता चला क्वेश्चन नंबर 4 इज करेक्ट। इसके जस्ट अल्टरनेटिव नेम्स भी अगर आपको पढ़ता हो तो आपको ये आंसर आ जाएगा। इसके अलावा आपको जो टाइप 1 की इसमें कौन से मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन इन्वॉल्व है, टाइप 2 में कौन से, तो ये पूरा जो टेबल होता है हाइपर सेंसिटिविटी का वो करके रख लीजिए। तो इससे आपको पता चला हाइपर सेंसिटिविटी इंपॉर्टेंट टॉपिक कहाँ से, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी मिल जाएगा आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक। देन आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इट सेज दैट द क्वांटिटी ऑफ एंटीकोआगुलेंट सॉल्यूशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ होल ब्लड प्रिपेयर करने के लिए जो एंटीकोआगुलेंट होता है, हमको पता है जो ब्लड होता है उसमें हम लोग ब्लड एंड प्लाज्मा तो होता है, साथ ही साथ एंटीकोएगुलेंट होता है ताकि वो कोएगुलेशन ना दिखा सके। अगर हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए चाहिए रहता है, जब ब्लड ट्रांसफर के लिए हम लोग को बाहर निकालना पड़ता है ताकि वो कोएगुलेट ना हो सके और हम लोग वो यूज कर सके वापस से, तो उसके लिए वहां पे एंटीकोएगुलेंट डाला जाता है। तो कितने क्वांटिटी में डाला जाता है, आपके लिए ऑप्शन है, शुड नॉट बी लेस देन 22% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, शुड नॉट बी मोर देन 22% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, शुड बी 2.2% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड शुड बी लेस देन 2.2% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शुड नॉट बी मोर देन 22% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मतलब एग्जैक्टली हमको कितना चाहिए रहता है, 22% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम चाहिए रहता है द अमाउंट ऑफ एंटीकोएगुलेंट फॉर द होल ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। इट सेज दैट द टेस्ट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्रेपोनेमल एंटीबॉडीज इन सिफिलिसिस टेस्ट इज नॉट एज पर द फॉलोइंग टेस्ट। ऑप्शन इज वेनेरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, फ्लोरोसेंट ट्रेपोनेमल एंटीबॉडी टेस्ट, टीटर प्रोटीन कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट एंड ट्रेपोनेमल पैलिडम इमोबिलाइजेशन टेस्ट। पहले तो आपको आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जब ट्रेपोनेमल एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं हम लोग सिफिलिसिस टेस्ट में, क्योंकि सिफिलिसिस किससे कॉज होता है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ये हमको पूछा गया था आई थिंक महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर ड्रग कमिश्नर वाले एग्जामिनेशन 2023 में यही पूछा गया है कि टेल मी द कॉजेटिव एजेंट फॉर सिफिलिसिस। सो आप देख सकते हैं अगर आपने ये पीवाईक्यू किया होता तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होता, बिकॉज यहाँ पे नाम दिया गया ट्रेपोनेमा पैलिडम से होता है सिफिलिसिस। ठीक है, एंड आपको पूछा गया है इट इज नॉट डिटेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग टेस्ट, कौन सी, तो भी ये चारों टेस्ट में से एक टेस्ट है जिसमें हम लोग इसकी एंटीबॉडीज डिटेक्ट नहीं करते।
एंड ऑप्शन ए ऑप्शन आपके सामने है, बट एज पर माई रिसर्च ये चारों के चारों जो है हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट दी एंटीबॉडीज इन सिफिलिसिस टेस्ट. सो हाउ कम दे हैव गिवन दिस फर्स्ट ऑप्शन? एक्चुअली द फर्स्ट ऑप्शन का फुल फॉर्म इज VDRL. VDRL टेस्ट हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग खान टेस्ट यूज करते हैं, देन हम वैसरमैन टेस्ट यूज करते हैं. वैसरमैन एक कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट होता है, ठीक है. ये सारे जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट है सिफिलिसिस के लिए. तो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो गया है, बिकॉज ये चारों के चारों टेस्ट जो है इसको हम FTAT करके कहते हैं, देन उसके बाद रिटर प्रोटीन कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, इसको हम ऐसे एब्रिवेट करते हैं, एंड ट्रेपोनेमा पैलिडम इमोबिलाइजेशन टेस्ट जो है उसको हम ऐसे एब्रिवेट करते हैं. सो ये चारों ही यूज करते हैं हम लोग फॉर डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी. सो हाउ कम दे हैव गिवन दिस ऑप्शन? आई एम नॉट श्योर. सो हम इस बेसिक क्वेश्चन को इसी तरह से लेंगे कि आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि सिफिलिसिस टेस्ट के लिए कौन से फॉलोइंग टेस्ट हम डायग्नोसिस के लिए यूज कर सकते हैं, एंड आपके लिए चारों ही करेक्ट आंसर है एक तरह से, बिकॉज इनमें कोई मिस्टेक तो नहीं. अगर आपको फिर भी कुछ आपके दिमाग में कोई आइडिया हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है. बट अकॉर्डिंग टू मी ये चारों भी हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट दी एंटीबॉडीज ऑफ ट्रेपोनेमल एंटीबॉडीज इन सिफिलिसिस टेस्ट, और चारों भी सिफिलिसिस टेस्ट में यूज किया जाता है. देन आता है क्वेश्चन नंबर 8. इट सेज दैट द कंफर्मेटरी ऑफ एड इज बाय वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट. कंफर्मेशन जो एड्स का किया जाता है वो कौन से टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन इज अलाइजा, वेस्टर्न ब्लॉट, पीसीआर एंड सदर्न ब्लॉट. सो हमको पता है अलाइजा टेक्निक जो होती है वो क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए की जाती है, ठीक है, स्क्रीनिंग मेथड होती है. जबकि वेस्टर्न ब्लॉट से हम लोग डायग्नोस्टिक कंफर्मेशन दे सकते हैं अबाउट दी एज, ठीक है. देन आता है क्वेश्चन नंबर 9. इससे अभी अब तक आपको ये पता चल गया होगा कि बहुत सारे जो टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट के बेसिस पे जो है ना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपके जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है कौन से टेस्ट के लिए क्या क्या कौन से डिजीज के लिए क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं वो आपको करना जरूरी है. देन आता है क्वेश्चन नंबर 9 विच सेज दैट द RH ब्लड ग्रुप इज सो नेम बिकॉज. ये बहुत इजी क्वेश्चन है. एंड ऑप्शंस आर ब्लड ग्रुप कंटेन ईदर RH+ और RH नेगेटिव चार्जेस, एंटीजन वर डिस्कवर्ड इन द ब्लड ऑफ रेसस मंकी, एंटीबॉडीज आर हैविंग RH सिस्टम, या एंटीजन एग्जिस्ट इन ह्यूमन प्लाज्मा. और हमको पता है कि एंटीजन वॉज डिस्कवर्ड इन रेसस मंकी, इसलिए हम लोग RH एज अ ब्लड ग्रुप यूज किया जाता है इन द ब्लड ग्रुप. देन आता है क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि होल ह्यूमन ब्लड जो है, ह्यूमन ब्लड पे देखो ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया. पहले क्वेश्चन में हमको पूछा गया था द अमाउंट ऑफ एंटीकोएगुलेंट विच इज रिक्वायर्ड. सो आप देख सकते हैं ब्लड एज पर्टिकुलर चैप्टर पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं. ऐसे जो हम लोग को WBC सेल्स के बारे में भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए, उसी तरह से ये ब्लड चैप्टर पे इन्होंने ब्लड बहुत क्वेश्चन पूछे हैं. यहाँ पे पूछा गया है होल ह्यूमन ब्लड जो है IP के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन बेसिकली पूछी गई है. सो क्या होता है, ब्लड विद एंटीकोएगुलेंट नॉट मोर देन 9.7% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ हीमोग्लोबिन, द फाइनल मिक्सचर ऑफ ब्लड एंड एंटीकोएगुलेंट सोल्यूशन कंटेनिंग नॉट लेस देन 9.7% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ हीमोग्लोबिन, अ मिक्सचर ऑफ ब्लड विदाउट एनी एंटीकोएगुलेंट एंड मिक्सचर कंटेनिंग 12.2% ऑफ वेट बाय वॉल्यूम ऑफ हीमोग्लोबिन. इसका जो करेक्ट आंसर है होल ब्लड ह्यूमन ब्लड अकॉर्डिंग टू IP इज दिस. दिस इज द फाइनल मिक्सचर ऑफ ब्लड विथ एंटीकोएगुलेंट एंड दिस इज द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन नॉट लेस देन 9.7%. देन आता है क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 सेज दैट द इफेक्ट ऑफ HIV दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी इन्फेक्शन इज रिजल्ट इन.
अफेक्टिंग सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड सीवियर लॉस ऑफ CD4+ सेल्स, अफेक्टिंग सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड सीवियर लॉस ऑफ CD8+ सेल, अफेक्टिंग बोथ एंटीबॉडीज एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी विथ इंक्रीज CD4 सेल एंड अफेक्टिंग बोथ एंटीबॉडी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड इंक्रीज CD4 एंड CD8 सेल। पहले तो हमको पता है कि जो HIV होता है उसमें CD4 सेल इन्वॉल्व होते हैं, और वो उसमें क्या हो जाता है, उसका सीवियर लॉस होता है, डिक्रीज होता है। बाकी के ऑप्शन में CD8 वाला तो सवाल ही नहीं उठता कि CD8 वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। CD8 वाला गेट कैंसल, इंक्रीज अमाउंट नहीं होता, यहाँ पे भी इंक्रीज किया तो ये भी गया। सो द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अफेक्टिंग द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड सीवियर लॉस ऑफ CD4+ सेल। देन आता है क्वेश्चन नंबर 12। इट सेज दैट द सीक्वेंस ऑफ सेरोलॉजिकल मार्कर ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरल इन्फेक्शन इज हेपेटाइटिस बी एंटीजन, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, HPV DNA। ये बहुत काइंड ऑफ डेप्थ में पूछा गया है उस टाइम पे, 2014 के टाइम में भी इतना डेप्थ में पूछा है। ये इसका ये कारण था क्योंकि ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ ड्रग इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए नहीं हुई थी, इसके साथ कुछ प्रोफेसर वाली पोस्ट भी थी, ये इन्वॉल्व थी। जैसे कि आपने ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के पेपर की फर्स्ट स्लाइड में देखा होगा तो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके दिया गया, तो ये मल्टीपल पोस्ट के लिए हुई थी, इसलिए इसके डेप्थ में ज्यादा गए हैं। लेकिन हमको उतना डेप्थ में नहीं जाना, ये हमको 2023 के पेपर से पता चल गया होगा, क्योंकि वो सोलली फोकस था असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ ड्रग के एग्जामिनेशन के लिए। सो ये जो है इतना डेप्थ में आपको जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये इतना डेप्थ में नहीं पूछेंगे, ठीक है। सो आपको पूछा गया द सीक्वेंस ऑफ सेरोलॉजिकल मार्कर हेपेटाइटिस बी वायरल वैक्सीन में, जो इसका करेक्ट आंसर वो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन HPV DNA एंड हेपेटाइटिस बी एंटीजन। जो इसमें से फर्स्ट है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, उसको हम इस तरह से एब्रिविएट करते हैं SPHBSAG, और ये क्या डिटरमाइन करता है, ये इंडिकेट करता है एक्टिव इंफॉर्मेशन, एक्टिव इंफेक्शन इंडिकेट करता है, एक्टिव ठीक है। उसके बाद आता है HBV DNA, DNA से हमको क्या पता चलता है, प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर हेपेटाइटिस बी, प्रेजेंस है उसके डीएनए, जो हेपेटाइटिस वायरस होता है उसके डीएनए के थ्रू हमको पता चल जाता है दैट इट हैज बीन प्रेजेंट इन दिस। एंड हेपेटाइटिस बी एंटीजन से हमको क्या पता चलता है, हमको हाई लेवल ऑफ वायरल इन्फेक्शन पता चलता है, ठीक है, हाई लेवल ऑफ वायरल इन्फेक्शन के बारे में पता चलता है। इतना डेप्थ में अगेन मैं बोलती हूँ जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये मल्टीपल पोस्ट के लिए हुआ था, तो डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग भी डिफिकल्टी लेवल को सेट किया गया था। देन आता है क्वेश्चन नंबर 13। इट सेज दैट इन पेशेंट विथ एड्स द मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन इज टॉक्सोप्लाज्मोसिस, कैंडिडाइसिस, क्रिप्टोकोकोसिस एंड एस्पर्जिलोसिस। द करेक्ट आंसर इज कैंडिडाइसिस, मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन ये होता है। उसके पहले जो है जो एड्स पेशेंट होते हैं ना, वो सबसे पहले कैंडिडाइसिस से, चाहे फिर वो ओरल हो या एसोफेजियल फॉर्म हो, एसोफेजियल या ओरल, इसमें दे आर लाइक मोर प्रोन। देन उसके बाद अगर जिस तरह से एड्स प्रोग्रेस होगा, देन जो चीज आती है अटैकिंग फंगल इन्फेक्शन, इट वुड बी क्रिप्टोकोकोसिस, नॉट हिस्टोप्लाज्मोसिस, इट वुड बी क्रिप्टो कोकस सिस, मतलब ये सेकेंड, एंड उसके बाद आएगा हिस्टोप्लाज्मोसिस। ठीक है, सो इसे आपको पता चला है जैसे कि मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन जो होगा वो कैंडिडाइसिस होगा, उसके बाद जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस होगा वो क्रिप्टोकोकोसिस हिस्टोप्लाज्मोसिस में आगे प्रोसीड होगा। देन उसके बाद आपको पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा मैं स्पीड अप करती हूँ, नहीं तो फिर हमारे 50 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पार्ट में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 14 सेज दैट HIV वायरस हैज अ प्रोटीन कोट एंड अ जेनेटिक मटेरियल विच इज
डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसलिए हम लोग एंटी रेट्रोवायरल भी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग यूज करते हैं। आप मुझे अब जाके कमेंट सेक्शन में एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स का कुछ एग्जाम्पल्स कमेंट कीजिए, एग्जाम्पल को कमेंट कीजिए कोई भी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स के, ठीक है। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। इट सेज दैट सीरम सिकनेस इज एन इम्यूनोलॉजिकल डिजीज मेडिएटेड ड्यू टू। सीरम सिकनेस जो होता है वो किस वजह से होता है? सीरम सिकनेस जो है वो क्या है? सीरम सिकनेस इज अ टाइप 3 मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन मीडिएटेड बाय इम्यून सिस्टम। टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन जो कि इम्यून सिस्टम से मीडिएटेड इम्यून सिस्टम से मीडिएटेड होती है, बिकॉज हमको पता है इट इज इम्यून इम्यूनिटी के रिलेटेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, टाइप 3 में हमने पढ़ा था अभी, जस्ट हमने चारों टाइप डिस्कस किए थे, दैट इज इम्यून सिस्टम मीडिएटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सो इसी वजह से एंटीजन एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स बनता है इन द सर्कुलेशन एंड इट्स डिपोजिशन, इसकी वजह से सीरम सिकनेस होता है। एंड डिपोजिशन क्या होता है, ये डिपोजिशन होने की वजह से देर इज इंफ्लामेशन, इंफ्लामेशन एंड डैमेज, ठीक है। इंफ्लामेशन एंड डैमेज होता है, ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज होता है, ठीक है। सो ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से रिलेटेड था। देन अदर क्वेश्चन नंबर 16, इट सेज दैट ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ये सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी किसकी है? हम लोग फार्माकोलॉजी की तरफ मूव कर रहे हैं अभी, एपीपी हो गया अभी फार्माकोलॉजी। सो इट इज पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंड क्विनोलोन। सो करेक्ट आंसर इज अमाइनो ग्लाइकोसाइड। वेरी इजी क्वेश्चन, हम पढ़ते ही ऑटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी इट इज रिलेटेड टू अमाइनो ग्लाइकोसाइड। पेनिसिलिन सेफालोस्पोरिन से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं, क्विनोलोन से फोटोटॉक्सिसिटी होता है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 17। इट सेज दैट एन एसिटिल पैरा बेंजो क्विनोन इमाइन जो है ये मेटाबोलाइट है किसका? पैरासिटामोल का। इट कॉजेस वाटर। हमको पता है पैरासिटामोल अगर हाई डोज पे लिया जाए तो ये पर्टिकुलर मेटाबोलाइट बनता है, और ये क्या है? हेपेटिक नेक्रोसिस, लीवर को डैमेज करने का काम करता है। इसलिए आपने कभी भी पैरासिटामोल का पैकेट लिया होगा तो उसके पीछे लिखा हुआ रहता है, ठीक है। सो द ऑप्शंस आर गैस्ट्रिक इरिटेशन, कॉन्स्टिपेशन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हेपेटिक नेक्रोसिस। हमको पता ही है हिपैटिक नेक्रोसिस यानी कि लिवर को डैमेज करता है। पैरासिटामोल का जो स्ट्रक्चर होता है, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरासिटामोल जो कि एन एसिटिल पैरा अमीनो जो ये मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है, एंड ये मेटाबोलाइट जो दिखता है वो इस तरह का दिखता है, एंड ये पर्टिकुलर जाके हेपेटिक नेक्रोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 18। 18 हो गया, ठीक है। अभी द टाइम ऑफ अ ड्रग टेक्स टू रीच एन इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन और स्टेडी स्टेट लेवल डिपेंड्स ऑन। यहाँ पे हम कह सकते हैं ये बायोफार्मास्यूटिक्स से क्वेश्चन हो सकता है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ऑप्शन आर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इन सर्कुलेशन, रेट ऑफ एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी एंड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, ठीक है। आपको क्या पूछा गया है, जो ड्रग को अपने इफेक्टिव लेवल पे, इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन पे रीच करने के लिए या स्टेडी स्टेट पे रीच करने के लिए क्या चीज पे वो डिपेंड रहता है? पहले आप सोचिए, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे वो है ना डिपेंड नहीं रह सकता, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। मतलब हमारे ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से अफेक्ट करता है। अगर वो ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग दिखाता है तो वो ज्यादा टिश्यूज पे फैल सकता है, काइंड ऑफ थिंग। सो इट इज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से इट इज नॉट रिलेटेड।
वेरस प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं, रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन तो उसका रिचनेस कितना रिच हो रहा वो पता चलता है, लेकिन रेट ऑफ एलिमिनेशन से हमको पता चलता है कि कितने देर तक वो ड्रग पर्टिकुलर बॉडी में टिका रहेगा, कितना लेवल मेंटेन करा रहेगा बेटा बेस्ड ऑन एलिमिनेशन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. देन इज क्वेश्चन नंबर 19. आप यहाँ पे रोसिग्लिटाजोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा गया. द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रोसिग्लिटाजोन इज दैट ऑफ रोसिग्लिटाजोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्टिवेट्स दी पेरोक्सिज्म प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर. आपने पहले अगर इसको फुल फॉर्म नहीं पढ़ा हो, आपने ऐसा पढ़ा होगा PPAR गामा अगोनिस्ट काइंड ऑफ थिंग. सो ये जो है रोसिग्लिटाजोन्स, ऑल द ग्लिटाजोन्स क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं पेरोक्सिज्म प्रोलिफेरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर, ब्लॉक से पोटेशियम सेंसिटिविटी पे चैनल. ये तो सल्फोनील यूरियास का काम है. अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर अकार्बोस ओग्लूकोस जो है वो ड्रग्स आते हैं. देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20. यहाँ पे पूछा गया है आपको डायजपाम इज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ. डायजपाम किसके मैनेजमेंट में यूज किया जाता है, इंसोम्निया सिजोफ्रेनिया स्टेटस एपिलेप्टिकस एंड नार्कोलेप्सी. सो डायजपाम को हम लोग ये बेंजोडाइजेपिन के क्लास का आता है, ठीक है. डायजपाम इज फ्रॉम बेंजोडाइजेपिन क्लास एंड ये जो है स्टेटस एपिलेप्टिकस में यूज किया जाता है, लेकिन इसके पहले हमारे पास एक ड्रग होता है लोराजेपाम, ठीक है. लोराजेपाम फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, देन आता है डायजेपाम एंड देन उसके बाद आता है मिडाजोलम, ठीक है. ये सीक्वेंस याद रखना. यहाँ पे आपको डायजेपाम के लिए पूछा था एंड यस इट इज यूज्ड इन स्टेटस एपिलेप्टिकस एंड बाकी का ये दिस इज द करेक्ट आंसर. देन उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 21 आ रहा है. 21 इट सेज दैट एन ओपियोडल ड्रग दैट लैक्स द एनाल्जेसिक एक्टिविटी एंड यूज टू कंट्रोल डायरिया इज. एक ओपियोइड ड्रग है जो डायरिया में यूज किया जाता है. ये बहुत इजी क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है आपके लिए. ऑप्शन है नाल्ट्रेक्सोन पेथिडीन बुप्रीनोर्फिन लोपेरामाइड एंड हमको पता है लोपेरामाइड इज यूज एज एंटी डायरियल एजेंट, ठीक है. एंड लोपेरामाइड जो है वो क्या है, म्यू रिसेप्टर पे एक्ट करता है, अगेन रिड्यूस करता है पेरिस्टल्सिस, इट रिड्यूस पेरिस्टल्सिस एंड ये क्या करता है, इंक्रीज करता है टोन ऑफ एनल स्फिंक्टर, एनल स्फिंक्टर. गॉट इट. देन आता है क्वेश्चन नंबर 22. इट सेज दैट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डॉक्सोरुबिसिन, डॉक्सोरुबिसिन कम्स फ्रॉम द क्लास ऑफ, डॉक्सोरुबिसिन कम्स फ्रॉम द क्लास ऑफ एंटी कैंसर एजेंट, ठीक है. इसमें आपको पूछा गया इट इनहिबिट द डीएनए पॉलीमरेज, देन आपको पूछा इट स्टेबिलाईज दी डीएनए टोपोआइसोमरेज 2, इट इंटरफेयर्स विद द रीजनरेशन ऑफ लिपिड कैरियर बाय ब्लॉकिंग इट्स फॉस्फोरिलेशन एंड इट डिस्टर्ब दी माइक्रोटूब्यूल फंक्शन है. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये इट स्टेबिलाइज द डीएनए टोपोआइसोमरेज 2 का जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो. एंड इसके अलावा आपको जब मैं क्लासिफिकेशन करोगे ना तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दैट वहां पे इस तरह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेस्ड पे क्लासिफिकेशन से आपको पता चल जाएगा. माइक्रोटूब्यूल फंक्शन के लिए जैसे कि हम लोग विन का अल्कलॉइड यूज करते हैं, विन क्रिस्टिन विन ब्लास्टिन, सो बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन आपको दिखेगा. देन कैम्प्रोथिसिन एनालॉग्स होते हैं, ऑल दो स्टफ. सो क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो गया. देन आता है क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 स्टेज अ पॉलीइन मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक यूज्ड अगेंस्ट कैंडिडा इन्फेक्शन इज फ्लुकोनाजोल टर्बिनाफिन निस्टाटिन या रिफामपिसिन. निस्टाटिन इज द करेक्ट आंसर. पॉलीइन माइक्रोलाइट एंटीबायोटिक में हमको दो एग्जाम्पल पता है, एम्फोटेरिसिन बी होता है एक प्लस निस्टाटिन होता है, ठीक है. इसमें से कैंडिडा इन्फेक्शन में हम लोग निस्टाटिन यूज कर सकते हैं. देन अजोल जो होते हैं वो क्या करते हैं, अजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि वो 14 अल्फा डी मिथाइलेज एंजाइम को क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं, ठीक है. देन उसके बाद टर्बिनाफेम जो है अलील अमाइन क्लासिफिकेशन से आता है और ये क्या करता है, स्क्वालीन इपोक्साइड, स्क्वालीन
इपोक्सीडेज एंजाइम को है इनहिबिट करता है। देन रिफैम्पिसिन हमारा एंटीबायोटिक है जो कि न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस से इंटरफेयर करता है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा एंटीफंगल का क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन। देन आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है वाइडली यूज एंटीडोट फॉर ट्रीटिंग पॉइजनिंग बाय हैवी मेटल इज डाइमर कैप्रोल, इन व्हाट वे डज इट एक्ट। आपको यहाँ पे आंसर दिया गया है कि हैवी मेटल पॉइजनिंग में हम लोग मोस्टली हैवी मेटल पॉइजनिंग में हम लोग डाइमर कैप्रोल यूज करते हैं, जिसको हम लोग बाल भी बोलते हैं, ब्रिटिश एंटीलेवसाइट। ये कौन से वे में एक्ट करता है, मतलब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब किस वे में एक्ट करता है। इट न्यूट्रलाइज इन द स्टमक जस्ट प्रिवेंटिंग स्प्रेड इन द बॉडी, इट एड्सॉर्ब हैवी मेटल ऑन इट्स सर्फेस। ये तो चारकोल दिखाता है, हमको पता है ना चारकोल एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना दिखाता है। इट एलिमिनेट्स हैवी मेटल फ्रॉम द बॉडी अर्ली या इट चिलेट्स देम एंड मेक देम बायोलॉजिकली एक्टिव। यस, बायोलॉजिकली इनएक्टिव। सो क्वेश्चन 4 इज करेक्ट। इसमें क्या होता है, ये जो बाल होता है वो हैवी मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है एंड ये कॉम्प्लेक्स जो है देन एलिमिनेट हो जाता है, बिकॉज ये इनएक्टिवेट कॉम्प्लेक्स बना रहता है एंड देन वो एलिमिनेट हो जाता है। देन आता क्वेश्चन नंबर 25। इट सेज दैट द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज एंड यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आयरन पॉइजनिंग। आयरन पॉइजनिंग के लिए यहाँ पे एंटीडोट पूछा गया। आपके लिए ऑप्शन है एडीटी है, पेनिसिलामाइन, डिस्फेरोक्सामाइन एंड बाल ब्रिटिश एंटीलेवसाइट दैट इज डाइमर कैप्रोल। एंड हमको पता है आयरन पॉइजनिंग के हम लोग डिस्फेरोक्सामाइन को यूज करते हैं। पेनिसिलामाइन हम लोग किसके लिए यूज किया जाता है, कॉपर पॉइजनिंग में हम पेनिसिलामाइन यूज करते हैं। ईडीटीए को हम लोग मोस्ट ऑफ द मेटल पॉइजनिंग के लिए यूज करते हैं, बट आर्सेनिक के लिए भी यूज किया जाता है। एंड डाइमर कैप्रोल बाल तो हमको पता है मोस्ट ऑफ द हेवी मेटल पॉइजनिंग के लिए यूज किया जाता है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है द एबिलिटी टू स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रेशन इज नॉट नॉट एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, विच इज दैट ड्रग। आपको बोला गया है कि इंसुलिन सिक्रेशन वाली जो एक्टिविटी है वो वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग नहीं दिखाता, वो कौन सा ड्रग है। मेटफॉर्मिन, ग्लिपेजाइड, टोलबुटामाइड या नैटिग्लेनाइड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेटफॉर्मिन। कैसे, बिकॉज ये क्या करता है, ओवरकम करता है इंसुलिन रेजिस्टेंट बट इंक्रीज नहीं करता है इंसुलिन सिक्रेशन। आपके लिए मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन हाफ क्लासिफिकेशन अटैच किया है, यहाँ पे एनहांस इंसुलिन सिक्रेशन में आता है। आपको ऑप्शन था ग्लिपिजाइड था, टोलबुटामाइड था और नैटिग्लेनाइड था। तो आप देख सकते हैं कि पोटेशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर्स में सल्फोनील यूरिया मैग्नेटेनाइड, ये जो DPP4 इनहिबिटर जो है ये दोनों भी इंक्रीज करते हैं, एनहांस करते हैं इंसुलिन का सिक्रेशन। वेरा जो हमारा मेटफॉर्मिन जो क्वेश्चन में था ये क्या करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ओवरकम करता है। सो इसलिए वो जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 सेज दैट एन एंटीफंगल एजेंट दैट इनहिबिट द स्क्वेलिंग इपोक्सिडेज। जस्ट अभी हमने ये एंटीफंगल एजेंट के बारे में पढ़ा था, इसके लिए आपके लिए ऑप्शन है फ्लूसाइटोसिन, टर्बिनाफिन, फ्लोकोनाजोल एंड एम्फोटेरिसिन बी। एंड द करेक्ट आंसर इज टर्बिनाफिन, जो कि एलिलमाइन क्लास से हमारा ड्रग है। ठीक है, अजोल्स हमको पता है अजोल्स क्या करते हैं, अभी हमने पढ़ा था। दैट इज 14 अल्फा डीमेथाइलेज एंजाइम को ब्लॉक करते हैं। एम्फोटेरिसिन बी पॉलीइन मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक जो कि सेल मेम्ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करते हैं। फ्लूसाइटोसिन जो है अगेन जो है डीएनए न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को अफेक्ट करता है। ठीक है, एंड ये पर्टिकुलर इसका जो फ्लूसाइटोसिन का एक्शन हमको पता है कि वो थाइमिडिलेट सिंथेटेस को इनहिबिट करता है। थाइमिडिलेट सिंथेटेस एंजाइम जो है टेस एंजाइम इसको इनहिबिट करता है। ठीक है, देन आता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है द चिलेटिंग एजेंट यूज फॉर द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक लेवल ऑफ आयरन। या के यहाँ पे अगेन अगेन एंड अगेन आपको आयरन पॉइजनिंग पे क्वेश्चन पूछा गया। ये भी आयरन पॉइजनिंग का क्वेश्चन था जिसमें आपको पूछा गया यही डाइसोडियम मेथिलेट, डाइमर कैप्रोल, सक्सिमर एंड डेस्फेरोक्सामाइन। एंड हमको पता है आयरन के लिए भी यूज डेस्फेरोक्सामाइन एज एन एंटीडोट।
देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 सेज दैट द एंटी डिप्रेसेंट विच सिलेक्टिवली इनिबिट रीअपटेक ऑफ बोथ सेरोटोनिन एंड नॉर एड्रेनालिन इज बुप्रोपियोन, फ्लुऑक्सेटिन, वेनलाफ्लेक्सिन एंड सर्ट्रालिन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो वेनलाफ्लेक्सिन है, बिकॉज इट इज बोथ दी सेरोटोनिन नॉर एड्रेनालिन रिअपटेक इनिबिटर, वेर एज बुप्रोपियोन जो है वो क्या है, इनिबिट करता है रिअपटेक ऑफ नॉर एड्रेनालिन एंड डोपामिन। ठीक है, फ्लुऑक्सेटिन और जो हमारा सर्ट्रालिन है ये दोनों भी है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनिबिटर में आता है, SSRI। ये अगेन मैकेनिज्म सॉरी क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन था। देन आता है क्वेश्चन नंबर 30। इट सेज दैट द एंटीडोट बाल इज यूज फॉर टू रिड्यूस द टॉक्सिसिटी ऑफ, हमने देखा था डाइमर कैपरॉल, अगेन बाल। सो ये मोस्ट ऑफ द हैवी मेटल में यूज किया जाता है। आपके लिए ऑप्शन है आयरन, पेस्टिसाइड, बार्बिट्यूरेट्स एंड मर्क्यूरी। एंड हमको पता है मर्क्यूरी के लिए यूज किया जाता है बिकॉज ये हैवी मेटल में आता है, वेर एज आयरन के लिए डेस्फेरोक्समाइन हो गया हमारा। पेस्टिसाइड के लिए हम लोग एट्रोपिन यूज करते हैं एंड बार्बिट्यूरेट के लिए एज सच कोई डायरेक्टली डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता एज एंटीडोट, बट हम लोग नेलोक्सेन को नेजल रूट से दिया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31। इट सेज दैट क्वेश्चन नंबर 31 स्क्रोलिंग में इनिबिट कर देती हूँ बिकॉज वो बार बार पेज स्टेबल नहीं रहता ना। क्वेश्चन नंबर 31 सेज दैट ड्राई हीट इज ऑफन यूज टू स्टरलाइज, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन ऑलवेज 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। बैक्टीरियल मीडिया, सलाइन सोल्यूशन, ऑयली मटेरियल, हॉस्पिटल ब्लैंकेट। तो हमको पता है ऑयली मटेरियल्स के लिए जो है हम लोग ड्राई हीट स्टरलाइजेशन को यूज करते हैं। देन उसके बाद आपको पूछा गया है फिनॉल कोएफिशिएंट ऑफ जर्मिसाइड या डिसइंफेक्टेंट इंडिकेट्स। जो फिनॉल कोएफिशिएंट होता है जर्मिसाइड का या डिसइंफेक्टेंट का, ये क्या इंडिकेट करता है, एफिशिएंसी ऑफ डिसइंफेक्टेंट, डाइल्यूशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, क्वांटिटी ऑफ डिसइंफेक्टेंट या प्योरिटी ऑफ डिसइंफेक्टेंट। एंड हमको पता है एफिशिएंसी पता चलती है हमको डिसइंफेक्टेंट की बेस्ड ऑन उसका डाइल्यूशन रेट क्या है, उस हिसाब से कितने डाइल्यूशन पे वो इनिबिट कर पा रहा है, कितना इफेक्टिव है, ये हमको पता चलता है फिनॉल कोएफिशिएंट वैल्यू से। देन उसके बाद आता है दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 32। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कह रहा है कि इंडोल टेस्ट जो होता है इट इज गिवन बाय ई कोलाई, क्लेप्सिलिया निमोनी, एंटरोबैक्टर एरोजेनस एंड प्रोटीएस वल्गैरिस। एंड इसका जो आपको ऑप्शंस के लिए अगेन चूज करना है एडी, बी सी, ए बी डी या ए सी। एंड द करेक्ट आंसर इज ए एंड डी, दैट इज ई कोलाई एंड प्रोटीएस वल्गैरिस को इंडोल टेस्ट पॉजिटिव दिखाता है। इंडोल टेस्ट में क्या होता है, इंडोल टेस्ट में हम इम्विक टेस्ट आपने सुना होगा, उसका जो फर्स्ट टेस्ट होता है वो इंडोल टेस्ट होता है। उसमें से क्या होता है, इंडोल टेस्ट में हम देखते हैं कि ट्रिप्टोफैन से इंडोल में कन्वर्ट कौन करवाता है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रिप्टोफैन को इंडोल में कन्वर्ट करता है जब हम कोवैक्स रिएजेंट को यूज करते हैं। ठीक है, एंड ये जो दो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं प्रोटीएस वल्गैरिस और ई कोलाई, ये चारों भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन में आते हैं। देन आता है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपके लिए कह रहा है लाल टेस्ट कैन डिटेक्ट एंडोटॉक्सिन, नेक्सोटॉक्सिन, एंटेरोटॉक्सिन एंड न्यूरोटॉक्सिन। लाल टेस्ट मतलब ल्यूमिनस अमीबोसाइट लाइसेट टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि ये क्या करवाता है, एंडोटॉक्सिन को डिटेक्ट करता है हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मोस्टली दिखाते हैं अपने सरफेस पे। ठीक है, सो ये डिटेक्ट करने का काम होता है हमारे लाल टेस्ट का। इससे लाल टेस्ट पता चलो तो आपको पूरा प्रोसीजर वगैरह आपको देख लेना है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपके लिए कह रहा है कि ड्यूरिंग द विंडो पीरियड, दिस इज द विंडो पीरियड ऑफ अ पेशेंट विद एच आई वी इन्फेक्शन और एड्स, फॉलोइंग टेस्ट आर कैरिड आउट।
एलाइजा टेस्ट एंड वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दिस टेस्ट? ठीक है, विंडो पीरियड जो होता है ना, उस टाइम पे दो टेस्ट किए जाते हैं, एलाइजा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। इनमें से कौन से टेस्ट जो है, टेस्ट कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट बताता है ट्रू? आपके लिए है एलाइजा नेगेटिव, वेस्टर्न ब्लॉट नेगेटिव, एलाइजा पॉजिटिव, वेस्टर्न ब्लॉट नेगेटिव, या एलाइजा नेगेटिव एंड वेस्टर्न ब्लॉट इज ऑल्सो नेगेटिव। विंडो पीरियड पहले तो क्या होता है वो समझ लीजिए। विंडो पीरियड मतलब जो टाइम इंटरवल होता है, टाइम गैप होता है जब इन्फेक्शन होता है, जब इन्फेक्शन होता है एंड जब उसके लिए एंटीबॉडी बनती है। ये जो टाइम इंटरवल होता है, इनिशियल इन्फेक्शन एंड एट द पॉइंट वेयर द डायग्नोस्टिक टेस्ट कैन डिटेक्ट एन एंटीबॉडी। ठीक है, सो विंडो पीरियड आई विल नॉट राइट इट एज सच, क्योंकि बहुत फिर लिखने में ही टाइम चला जाता है। सो विंडो टेस्ट क्या होता है? इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द इनिशियल इन्फेक्शन जब होता है एंड फ्रॉम द टाइम टिल द डायग्नोस्टिक टेस्ट कैन डिटेक्ट दैट पर्टिकुलर एंटीबॉडी, वो जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं विंडो टेस्ट। सो इसमें जो करेक्ट आंसर दिया गया है वो है ऑप्शन 4, एलाइजा नेगेटिव एंड वेस्टर्न ब्लॉट नेगेटिव। वाई? बिकॉज इस पर्टिकुलर पीरियड में इतने पर्टिकुलर एंटीबॉडीज क्रिएट नहीं होते कि वो डिटेक्ट कर पाए, इसलिए दोनों भी एलाइजा और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है ना नेगेटिव आते हैं, बिकॉज उतने एंटीबॉडी अब तक फॉर्म नहीं हुए होते ताकि जिससे हम इस पर्टिकुलर दोनों भी टेस्ट से वो हम डिटेक्ट कर पाए। ठीक है, इससे हमको एक चीज पता चली कि एचआईवी इन्फेक्शन पे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया, उसी बेस पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट में एलाइजा वेस्टर्न ब्लॉट दोनों यूज किया जाता है। सो अगर आपको उस टाइम पे वो आंसर नहीं आ रहा था तो इस टाइम पे ये वाला क्वेश्चन देख के वो आंसर आपको आ जाता था। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा हुआ था, पहले वाले क्वेश्चन का। इस तरह से आप थोड़ा है ना एक बार पेपर को गो थ्रू करिए, राउंड वाइज जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे ना तब आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इस तरह से क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, देन आता है क्वेश्चन नंबर 36। इट सेज दैट दी ड्रग पेनिसिलिन इनिबिट, हमको पता है पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा गया है। सेल वॉल सिंथेसिस को इनिबिट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए आरएनए रेप्लिकेशन, या ब्लॉक्स जो मेटाबॉलिक पाथवे। इसका करेक्ट आंसर है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, जो कि इनिबिट करता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को, पेनिसिलिन बाइंडिंग एंजाइम को इनिबिट करता है एंड दस इट वो सेल वॉल को इनिबिट करता है, सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करता है बैक्टीरिया के। देन आता है क्वेश्चन नंबर 37। इट सेज दैट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मेजर्स, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या मेजर करता है? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर बॉडी, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर एयर एंड सॉइल, द अमाउंट ऑफ टोटल इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर बॉडी, या द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर बॉडी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मैटर जो कि वाटर बॉडी में प्रेजेंट होता है। जो बीओडी है, हम लोग मोस्टली पॉल्यूटेड वाटर को भी, जो वाटर है पर्टिकुलर कितना लेवल पे पॉल्यूटेड है ये डिटेक्ट करने के लिए हम लोग बीओडी टेस्ट को यूज करते हैं। बीओडी जब लेस होता है ना, बीओडी जब लेस होता है तब हम ये क्लीन वाटर को इंडिकेट करता है, वेरस बीओडी जब ज्यादा होता है, मोर होता है, तब ये मोर डर्टी वाटर को, मोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेन वाटर को डिटेक्ट करता है। ठीक है, इंडिकेट करता है। ठीक है, तो बीएडी के वैल्यू से बेस पे हम लोग पता कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर बॉडी। देन आता है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कह रहा है द स्कारलेट फीवर इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस, इज कॉज्ड बाय एंटेरिक वायरसेस, इज कॉज्ड बाय रेस्पिरेटरी वायरसेस एंड कॉज फीवर विद रो स्पॉट फॉर्मेशन। सो इससे आपको एक चीज ये पता चली होगी कि द स्कारलेट फीवर इन तीनों में से एक आंसर होना पक्का है, क्योंकि इन तीनों में भी तीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम दिए, उसमें से एक ही हो सकता है। जो डी वाला है वो तो पक्का से आंसर आने वाला है, ये हमको पता है। तो जहाँ पे डी है दैट वुड बी अवर आंसर, तो डी ए की में है। आपको ए भले ही पता ना हो, अब डी अगर पता चल जाए तो इनडायरेक्टली आपको फर्स्ट
ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर चीज है दैट इज करेक्ट, डी वाला कॉज फीवर विद रोज स्पॉट फॉर्मेशन, जिसमें से फर्स्ट वाला जो है स्कारलेट फीवर जो है स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजिन से होता है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, देन उसके बाद हमने देखा कौन से क्वेश्चन देखे, हमने 38 तक देख लिया, राइट 38 देख लिया, 39 अब देखेंगे हम। इट सेज दैट ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हीटिंग एंड सब्सिक्वेंट प्लेटिंग इज अ मेथड यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ कॉर्निबैक्टेरियम विब्रियो सेल्मोनेला एंड क्लॉस्ट्रिडिया। सो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्लॉस्ट्रिडिया है, इसमें क्या होता है सब्सिक्वेंट हीटिंग एंड प्लेटिंग किया जाता है। क्यों किया जाता है, बिकॉज ये जो क्लॉस्ट्रिडिया एंजाइम जो होता है, सॉरी क्लॉस्ट्रिडिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या है स्पोर फॉर्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके जो स्पोर है वो भी एक्सट्रीम टेम्परेचर पे जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम टेम्परेचर पे स्टेबल होते हैं, पहली तो ये चीज। दूसरा जो ये क्लॉस्ट्रिडिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ये हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबिलिटी दिखाता है, एंड इसका हम लोग सब्सिक्वेंट हीटिंग प्लेटिंग इसलिए करते हैं ताकि ये जो है ना वो थर्मोफिलिक है, यानी कि हीट लविंग है, हीट लविंग ऑर्गेनिज्म है। इसकी वजह से क्या होता है कि इसको दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हीट लविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग से जर्मिनेट करने के लिए, अलग से डिटेक्ट करने के लिए हम लोग बार बार इसको हीटिंग एंड प्लेटिंग करते हैं, ताकि जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो ना हो सके जबकि सिर्फ क्लॉस्ट्रिडिया ग्रो हो सके। ठीक है, देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट के 10 क्वेश्चन है। इट सेज दैट एंडोगर कंटेन्स व्हाट, सैफ्रिनिन, फिनॉल रेड, बेसिक फ्यूजन एंड न्यूट्रलाइज। सो इसका करेक्ट आंसर है बेसिक फ्यूजन जो है एंडोगर जो होता है उसके कॉम्पोजिशन में होता है। एंडोगर का मैं कॉम्पोजिशन बता दे रही हूँ, इट कंटेन्स बेसिक फ्यूजन प्लस पेप्टोन होता है। यू कैन राइट इट इन योर नोट एज वेल, पेप्टोन प्लस लैक्टोस प्लस एनहाइड्रस सोडियम सल्फाइट, एनहाइड्रस सोडियम सल्फाइट होता है, प्लस डाइपोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट होता है। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है ओनली सी इज द करेक्ट आंसर। देन उसके बाद आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 41, इट सेज दैट द फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म मस्ट बी ग्रोन ऑन। फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट डेंस, यानी कि जिनको न्यूट्रिएंट कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट की या पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। आपके लिए ऑप्शन है सिंथेटिक मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, जनरल पर्पस मीडिया या एनरिच मीडिया। सो करेक्ट आंसर इज एनरिच मीडिया, जो न्यूट्रिएंट डेंस मीडिया हो, क्योंकि वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को। देन आता है क्वेश्चन नंबर 42, इट सेज दैन इंक्लूजन बॉडी नोन एज डैश आर ऑब्जर्व इन केस ऑफ पोलियो वायरस वैक्सीन। पोलियो वायरस वैक्सीन के टाइम कौन सी बॉडीज दिखाई देती है, इंक्लूजन बॉडीज। आपके लिए ऑप्शन है कोप ड्राई टाइप ए बॉडीज, कोप ड्राई टाइप बी बॉडीज, बॉलिंजर बॉडीज एंड नेगरी बॉडीज। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोप ड्राई टाइप बी बॉडीज। देन कोप ड्राई टाइप बी बॉडीज आपको पोलियो के अलावा साइटोमेगालो वायरस इंफेक्शन जो होता है उसमें भी दिखाई देती है, जबकि टाइप ए वाली जो है ना आपको हर्पीस के इंफेक्शन में टाइप ए मिलेगी, एंड वेरिजोला जोस्टर वायरस के टाइम इन्फेक्शन के टाइम यू विल गेट दी कोप ड्राइव टाइप ए बॉडीज का बॉडीज एज अ डिटेक्शन। एंड बॉलिंजर बॉडीज जो है ये फोलपॉक्स इन्फेक्शन के टाइम आपको दिखाएगी, नेगरी बॉडीज जो होती है वो रेबीज इन्फेक्शन के टाइम आपको दिखेगी। तो ये साथ साथ हमारे सारे दूसरे क्वेश्चन भी हो गए। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43, दिस इज क्वेश्चन नंबर 43।
इट सेज दैट द टेस्ट ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन द बायो एसे ऑफ विटामिन B12 इज ई कोलाई 113 डी, ई कोलाई 331 डी, बैसिलस सबटिलस 113 P एंड बैसिलस सबटिलस 331 P। हमको ये अगेन डिटेल में पूछा गया, मैं अगेन बताती हूँ, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये एडिशनल पोस्ट के लिए भी था, इसलिए वो डिटेल में पूछा गया। सो हमको ये पता है कि बैसिलस सबटिलस नहीं, इकोलाय में, और इकोलाय में इसका स्पेसिफिक जो आंसर है वो है इकोलाय 113 DD, मतलब डेविस होता है कुछ तो, ठीक है। सो उतना आप डिटेल में बिल्कुल मत जाइए। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 सेज दैट डैश इज जनरली द लीस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर माइक्रोबियल काउंट। इसमें से कौन सा है जो लीस्ट एक्यूरेट मेथड है माइक्रोबियल काउंट के लिए? ऑप्शन इज स्प्रेड प्लेट काउंट मेथड, द मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड, द मोस्ट प्रोबेबल दैट इज मोस्ट प्रोबेबल नंबर मेथड दैट इज MPN मेथड एंड द पोर प्लेट मेथड। सो MPN मेथड जो है वो लीस्ट एक्यूरेट है, लीस्ट एक्यूरेट मेथड होती है बिकॉज इसमें क्या होता है, एक तो ये पहले लेबर इंटेंसिव होते हैं, बहुत सारे लेबर रिक्वायरमेंट होती है, वर्क रिक्वायरमेंट होती है इसकी, ठीक है। दूसरी चीज जो है इसके प्रिसिशन जो है, एक्यूरेसी या प्रिसिशन जो है वो पुअर है बिकॉज अनलेस लार्ज नंबर ऑफ रेप्लिकेशन ट्यूब रेप्लिकेशन ट्यूब्स पर डाइल्यूशन अवेलेबल नहीं हो जाता, ठीक है। तो आपने MPN आई थिंक अगर आपने बैचलर्स किया है तो आपको पता है कि हमने कोलिफॉर्म्स को डिटेक्ट करने के लिए ये MPN टेस्ट किया था। सो इसमें जितना जितना डाइल्यूशन होता है, डाइल्यूशन बेस पे हमको काउंटिंग करना पड़ता है, इस बेसिस पे चलता है ये MPN है, इसके लिए ये प्रिसिशन पुअर या एक्यूरेसी इसका पुअर रहता है, ठीक है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 45। इट सेज दैट पायरोजेंस आर कॉम्पाउंड्स विच कॉजेस इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, पस फॉर्मेशन, डिक्रीज इन एसिडिटी एंड रैशेस ओवर बॉडी। सो एसिडिटी से कोई लेना देना नहीं, पस फॉर्मेशन तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता रहता है, रैशेस ओवर बॉडी इज नॉट द करेक्ट आंसर, जबकि हमको पता है पायरोजन जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी टेम्परेचर को एनहांस करने के लिए। सो ऑप्शन ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। देन आता है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल अमीनो एसिड। हमको पता है अमीनो एसिड के क्लासिफिकेशन होता है, असेंशियल, नॉन असेंशियल, सिंथेटिक वाला। सो इसमें से पूछा है इसमें से कौन सा असेंशियल अमीनो एसिड नहीं है आपके लिए? थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, ग्लूटामिन, एजिन ऑप्शन दिए गए एंड फर्दर इज ANB, BNC, ANC एंड CNDA, एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है CNDA। दिस आर नॉट एन असेंशियल अमीनो एसिड बिकॉज इट इज नॉट असेंशियल अमीनो एसिड, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। एंड ऊपर के जो थ्रियोनिन ट्रिप्टोफैन है ये असेंशियल अमीनो एसिड बात है। हम जो है आपने अगर इसकी जो ट्रिक होती है असेंशियल अमीनो एसिड के लिए, जैसे कि ट्रिक थी VIP हॉल में मेटीटी, ऐसी एक ट्रिक थी, नॉन असेंशियल के लिए अलग ट्रिक थी। सो ये अमीनो एसिड आप करके लिखिए, हमारे GTC क्लासेस पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है अमीनो एसिड को किस तरह से याद रखते। सो उसी से ये ट्रिक थी, नॉन असेंशियल के लिए अलग थी ट्रिक थी, नॉन असेंशियल के लिए हम लोग यूज करते हैं कैटास्पा GGG, ये ट्रिक को यूज करते हैं, ये निमोनिक को यूज करते हैं। निमोनिक बेस्ड अगर स्टडी करोगे तो आपको थोड़ा ज्यादा जल्दी याद आएगा और ज्यादा देर तक याद रहेगा, ठीक है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 47। इट सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, टीबी एंड पोलियो वैक्सीन आर एटेन्यूएटेड टाइप, डिप्थेरिया एंड टीटेनस वैक्सीन आर इनएक्टिवेटेड एंडोटॉक्सिन, क्लोरेल एंड प्लाक वैक्सीन आर इनएक्टिवेटेड टाइप। तो पहले तो आप मुझे बताइए, टीबी जो होती है ना, दे आर लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन, दैट इज ट्रू, बट पोलियो में डिफरेंट टाइप होते हैं, साल्क है, सेबिन है। सो बेस्ड ऑन दैट हमको यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं पूछा, तो अगर जब हम स्पेसिफिकली नहीं पूछा है तो हम लोग इसको IPV दैट इज
आईपीबी कंसिडर करते हैं। आईपीबी क्या होता है? इंट्रावेनसली जो पोलियो वैक्सीन दी जाती है, जो जो कि किल्ड फॉर्म वाली होती है, एंड दैट्स व्हाई जो है ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। डिफ्थेरिया और टेटनस वैक्सीन ये टॉक्सॉइड होती है, ठीक है। तो दे आर नॉट एन इनएक्टिवेटेड एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन पे स्पेसिफिक एंडोटॉक्सिन पे एक्ट करता है ये हम कह नहीं सकते, बिकॉज ये टॉक्सिन पे एज सच काम करती है, ठीक है। इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स पे काम करती है, एंडोटॉक्सिन B2B मोर स्पेसिफिक ये हम नहीं कह सकते। सो ऑप्शन बी गॉन, ऑप्शन ए गॉन। ऑप्शन सी सेज द क्लोरेला, एंड अगर आपको ऑप्शन बी और ए चला जाता है तो ऑप्शन ए बी वाले ऑप्शंस कट करो, आपको डायरेक्टली आंसर आएगा नन ऑफ द अबव इज द ट्रू। एंड क्लोरेला एंड प्लाक वैक्सीन जो है इनएक्टिवेटेड टाइप में, प्लाक तो इनएक्टिवेटेड है, बट क्लोरेला के अगेन दो टाइप्स होते हैं, एक्टिवेटेड इनएक्टिवेटेड। तो दो टाइप्स के बेसिस पर हम लोग 100% ट्रू ये नहीं कर सकते। सो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज 47। देन आता है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 सेज दैट, एंजाइम का क्वेश्चन है, सेज दैट जाइमोजेंस इज एन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन लिपिड एंजाइम्स एंड जीन। एंड हमको पता है एंजाइम्स का इनएक्टिव फॉर्म होता है वो जाइमोजेन होता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49। इट सेज दैट कंसिडर द फॉलोइंग टेस्ट, फॉलोइंग रोज वाटर टेस्ट, मेंटॉक्स टेस्ट, कूम्स टेस्ट एंड टाइन टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म टू डिटेक्ट द इम्यूनिटी या ससेप्टिबिलिटी ऑफ टीबी। या फिर टीबी पे लिए कौन सा यूज करते हैं? तो ऑप्शन बी एंड डी इज करेक्ट, दैट इज मेंटॉक्स टेस्ट होता है, ये मेंटॉस या मेंटॉक्स बोलो। एंड देन देर इज टाइन टेस्ट। टाइन टेस्ट को हम लोग बोलते हैं ट्यूबरकुलीन स्किन टेस्ट। ट्यूबरकुलीन स्किन टेस्ट को ही टाइन टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। एंड रोज वाटर टेस्ट जो है हम लोग रूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए यूज करते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कूम्स टेस्ट हम लोग किसके लिए यूज करते हैं। सब कुछ मैं बता दूंगी तो आप सर्च नहीं करोगे, तो जाके बताइए कूम्स टेस्ट जो है हम लोग कौन से चीज के लिए यूज करते हैं, कौन से डिजीज या डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 50, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट वन ऑफ महाराष्ट्र असिस्टेंट कमिश्नर एग्जामिनेशन 2014। मैच द फॉलोइंग पूछा, फैटी एसिड बोला है, उसके स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे डबल बॉन्ड कितने होते हैं? ओलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, लिनो लेइक एसिड ना एसिटोनिक एसिड। इसका जो करेक्ट आंसर है ओलिक एसिड जो है आपको दिख रहा होगा, इसमें एक डबल बॉन्ड है, लिनो लेइक में दो डबल बॉन्ड है, लिनोलेनिक में तीन डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, एराचिडोनिक हमको पता है फोर डबल बॉन्ड होते हैं, ओलिक एसिड में एक मिल गया, लिनोलेनिक में तीन होते हैं और लिनोलेइक में दो होते हैं। सो आपके लिए ऑप्शन क्या है, ए के लिए इज फोर, बी के लिए इट्स थ्री, सी के लिए इट्स टू एंड डी के लिए इट्स वन। सो ए बी सी डी 4, 3, 2, 1 ये जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं किसके, महाराष्ट्र ड्रग असिस्टेंट कमिश्नर एग्जामिनेशन के ऑफ 2014। सेकेंड पार्ट में हम लोग लास्ट के 50 क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस का ये क्वेश्चन पेपर था। इसके अलावा आपको अगर कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट फॉर योर प्रिपरेशन, आप GDC क्लासेस ऐप को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे फ्री की डेली क्विज, वीकली क्विज, फ्री डाइजेस्टर, फ्री ई नोट्स, फ्री फ्लैश कार्ड्स एंड बहुत स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है। सो यू कैन गो थ्रू दिस, विजिट कर सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस QR कोड, या फिर गूगल प्ले स्टोर पे जाके आपको GDC क्लासेस ऐप एज सच डालना है एंड आपको वो एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। सो अंटिल देन टेक केयर एंड विल मीट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।